हम बात करेंगे यूपी निकाय चुनाव की, जहां सीधे सीधे यहां पर बीजेपी को जीत मिली है। ब्रांड योगी हिट हो गए हैं। ये सीधे सीधे क्या यही मान लिया जाए कि योगी अब अपने आप में एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, और इस जीत के क्या मायने हैं, और गुजरात के चुनावों में भी क्या ये जीत मददगार साबित हो सकती है, और कांग्रेस आखिर कहां जाकर ठहर रही है, क्योंकि सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा है, और समाजवादी पार्टी जो तंज कस रही थी कि मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत निकाल दी, उसकी भी हवा खराब होती नजर आ रही है। हालांकि बीएसपी ने रीगेन करा है, पर फिर भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करा है। तो ये चुनाव क्या कुछ कहता है, इस पर पूरा विश्लेषण होगा। खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इन निकाय चुनावों में अपना दम दिखाकर बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। यूपी के निकाय चुनाव में और निखरा है कमल। क्या है यूपी में निकाय चुनाव के नतीजों के मायने, क्या गुजरात चुनाव में भी दिखेगा यूपी का असर? सत्ता संभालने के बाद पहली अग्नि परीक्षा में योगी आदित्यनाथ का दम दिखा है। लखनऊ से लेकर तमाम बड़े शहरों के नगर निगम बीजेपी की झोली में आ गए। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नतीजों से साफ है कि बीजेपी शहरी वोटरों की पहली पसंद बनी हुई है। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने इस बार वापसी की है। चुनाव नतीजों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खेमे में थोड़ी निराशा है। 2012 में भी समाजवादी पार्टी के लिए नतीजे अच्छे नहीं थे, और पार्टी के लिए 2017 में भी हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। यूपी में 9 महीने बाद भी योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है, ऐसा क्यों है, इस पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान खास मायने रखता है। ये राम मंदिर बनेगा, ये विश्वास जग गया, और उसकी प्रतीक्षा में हम तो 2019 और उसके बाद 24 और उसके बाद 29, हम तो आगे 10 साल तो निश्चित जीते रहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी इस जीत को राम मंदिर से जोड़कर देख रहे हैं। निकाय चुनाव को 2019 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, और यहां तो योगी ने मैदान में विरोधियों को परास्त कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो उत्तर प्रदेश के खुद की राजनीति में उस राज्य में वहां पर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बीच में, दो दो डिप्टी सीएम के बीच में, यहां पर ब्रांड योगी भी कितना मजबूत हुआ है, इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं हमारे साथ, एक्स प्रेसिडेंट हैं, यूपी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मेरठ से जुड़ रहे हैं मीम अफजल साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वंदना सिंह, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, और वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मीम अफजल साहब आपसे ही होगा मेरा, जीत की बधाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को मैं दे दूं, लेकिन उससे पहले सवाल से करूंगी। योगी जी ने कहा है जो निकाय चुनाव नहीं जीत पाए वो गुजरात के खाक जीतेंगे, जवाब दीजिए। देखिए योगी जी, पहले तो अपनी फिक्र करें। आपने कहा कि बड़ी भारी जीत उनकी हुई है, मैं आपको अभी साबित करता हूं कि उनकी भारी जीत नहीं हुई, काफी बड़ी हार हुई है। अगर मैं देखा जाए, आप अपने घर में झांक लीजिए, उनको छोड़ दीजिए ना, देंगे आप उनके तो घर, आप उनके घर का वो संभाले, आप अपने घर का जवाब दीजिए ना, उन्होंने आपके घर पे सवाल पूछा है। अब आप वो मेरे घर में झांकेंगे तो मैं उनके घर में क्यों नहीं झांकूंगा? सर अमेठी बता दीजिए। नहीं नहीं, जब वो मेरे घर में झांकेंगे तो मैं उनके घर में क्यों नहीं झांकूंगा, आपको क्या ऐतराज है इस पर? चलिए अमेठी बता दीजिए। पर आप नहीं, आपको आपका क्या ऐतराज है? ऐतराज नहीं है हमारा, सीधा मैंने मान लिया कि हम हार गए, हमने एक्सेप्ट कर लिया जी। सुनना चाह रहे हैं जी, मैं आपसे बहस करने तो नहीं आया हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल अपनी बात, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन आप बीच में टोका टाकी करती हैं तो फिर कोई बात नहीं है। आप बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं खामोशी इख्तियार कर लूंगा। नहीं नहीं मीम अफजल साहब आप बोलिए। देखिए पिछले चुनाव के अंदर, जिसके अंदर 400 में से 325 सीट हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसको 81% सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश के अंदर। इस चुनाव में आप नगर निगम की बात कर रहे हैं जिसमें 14 जीते हैं, लेकिन 625 सीटें, 650 से ज़्यादा सीटें तो ओवरऑल टोटल थी, जिसका 50% पर भारतीय जनता पार्टी आगे है या जीती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि वो 31% नीचे आ गई है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो पास नहीं हुए हैं, वो फेल हुए हैं। चलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप जो है वो कम हुआ है, ये कह रहे हैं आगे आप देखेंगे लेकिन ये जब कल इसकी कुछ डिटेल्स आएंगी, जी, इसकी कुछ डिटेल्स आएंगी
जब इसकी कुछ डिटेल आएगी तो आप देखिएगा वोटों का परसेंटेज भी कम हुआ हुआ लक्ष्मीकांत भारतीय जनता पार्टी का। जीत की बधाई तो है, मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत जो आपका विधानसभा चुनावों में था, जो वोट परसेंटेज था, अगर उसका पूरा आकलन करें तो आप जीते नहीं हैं, असल मायनों में हारे हैं। जवाब दीजिए। बधाई के लिए तो आपका धन्यवाद, मीम अफजल साहब की सलाह के लिए उनका आभार, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मीम अफजल साहब ये बताएं कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, प्रतिशत का नंबर बहुत बाद में आता है, 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भाजपा ने जीते हैं, इसको भी अगर मीम अफजल साहब जीत नहीं मान रहे तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, उसको जीत मान रहे हैं क्या? दूसरी बात, मीम अफजल साहब जरा मैं मान रहा हूं कि पिछली बार आप 12 में से 10 जीते थे, अब की बार आप 16 में से 14 जीते हैं, परसेंटेज यहां भी कम हुआ है आपका। बाद में क्या जीतेंगे तो उसमें क्या गलती कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, पिछली बार समाजवादी पार्टी हमारे मुकाबले पर थी जी, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, भाजपा के कार्यकर्ता अपने दम पर 12 में से 10 नगर निगम जीते थे, अब की बार भी कार्यकर्ता अपने दम पर सो। चलिए, आपको जीत की बधाई है, लेकिन वंदना सिंह जी को भी इस चर्चा में जोड़ लेते हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं वंदना सिंह जी। यहाँ पर अखिलेश जी ने, मुझे याद है, ट्वीट करते हुए तंज कसा था कि मुख्यमंत्री जो हैं निकाय चुनावों में अपनी कैसी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ताकत झोंकी, नतीजे आपके सामने हैं। अखिलेश जी कुर्सी पर नहीं थे फिर भी आराम कर रहे थे, नतीजे आपके भी सामने हैं। पहले तो मैं अपने भाई साहब को, वाजपेयी जी को बधाई देना चाहती हूँ और भाजपा को उनकी जीत के लिए, और समाजवादी पार्टी इसका खुले दिल से स्वागत करती है, जनता का जो जनादेश आया है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये अपने वादों पर खरे उतरेंगे, जो भी इन्होंने वादा किया है, जो भी इनका मैनिफेस्टो रहा है इन इलेक्शंस में। लेकिन साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूंगी भाई साहब से, यहाँ पहले जो मैंने पूछा है उसका जवाब तो दीजिए, चुनाव नहीं लड़ी है पूरी तरह से, यहाँ पे भगवान राम लड़े हैं, अयोध्या लड़ी है, यहाँ पे चुनाव मन्ना जी, आप सपा से हैं, आप सपा से कहाँ तक लड़े, आप इन नतीजों को कैसे देखती है, सपा कहाँ स्टैंड कर रही है आज? अखिलेश जी तंज कस रहे थे कि वो प्रचार क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या अखिलेश प्रचार करते तो स्थिति बेहतर होती? हम आज भी दूसरे नंबर पे हैं, जहां देखिए ये तो हमें शुरू से ही पता था, जहां तक शहरी इलाके हैं वहां पे बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है हमेशा, लेकिन अब तो उन्होंने जो, अब आप आइए परिषद पे, हम अभी भी हैं लड़ाई में, हम अभी भी हैं दूसरे नंबर पे, किस तरह से उन्होंने अपनी पैठ बनाई है उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते, पहली बार बीजेपी, बीएसपी आपसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप जी अभिलाष जी, आप बताइए ये जो चुनावी नतीजे हैं, ये चुनावी नतीजे गुजरात इलेक्शन पर कुछ इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको? निश्चित रूप से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सूपड़ा साफ कर दिया और कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश दिखा दिया उन्होंने मॉडल, तो मेरे को समाजवादी पार्टी से भी ये पूछना है और कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना है कि इनको वहाँ पर मेहनत करने से किसने रोका था, आज इनकी ये हालत हो गई है, उसके कारण ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ताकत लगाई, मुख्यमंत्री इतनी बार क्यों गए, तो मुख्यमंत्री का काम है अपनी पार्टी को जिताना, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अखिलेश यादव घर पे क्यों बैठे रहे और राहुल भी वहाँ अमेठी भी नहीं जिता पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम गुजरात में पड़ेगा ही, लोगों को लग रहा है कि इतनी पुरानी पार्टी, राहुल तो घर पे नहीं बैठे, राहुल ने अमेठी नहीं देखी, घर छोड़ दिया और उसका खमियाजा भी भुगता। मीम साहब क्यों हारे, अमेठी में क्यों हारे? देखिए, राहुल जी को जो ज्यादा जरूरी काम था वो आज भी कर रहे हैं और कल भी कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, निकाय चुनाव के अंदर कभी बड़े लीडर नहीं आते, ये बड़े लीडर सिर्फ एक ही आए वहाँ पर और उनका नाम है योगी जी, क्योंकि उनको पूरा डर था सर कि वो चुनाव हार सकते थे, इसलिए उनको खुद उतरना पड़ा। चुनाव बड़ा छोटा नहीं होता, जनता का चुनाव होता है, जनता का भरोसा जो जीतता है लीडर तो वही होता है ना मीम साहब, उसमें बड़ा चुनाव तो सारे बराबर होते हैं। तो इससे पहले आपके कितने नेता निकाय चुनाव में आए हैं वाजपेयी जी, कितने नेता आपके इससे पहले चुनाव में आए हैं वाजपेयी जी? ये पहली बार ही तो आए, उससे पहले कितने आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, अडवाणी जी आए थे कभी? सर
मीम साहब, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जवाब दें, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे डाल दूं, वापस 80% आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे निकाय चुनावों में रैलियां करते थे। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में जाते हैं हर निकाय के चुनाव में, इसमें गलत क्या है? अगर पार्टी मजबूत होती है ग्राउंड लेवल पे, मैं जुड़ती हूं, तो गलत क्या है? लड़ा था, अरे अब ये सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बोलिए बोलिए। मेम साहब आप सुन लीजिए, हमारे यहाँ हर नेता कार्यकर्ता है, हर नेता कार्यकर्ता पहले है, जो कभी पूर्व नहीं होता बाकी पद पूर्व होते हैं। और कार्यकर्ता के नाते यदि संगठन ने योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री को आदेश दिया तो उनको जहां आदेश दिया गया वहां वो गए महेंद्रनाथ पांडे के आदेश को मानकर। दूसरी बात, पिछली बार हमने नगर निकाय का चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, किसने रोका था समाजवादी पार्टी को भाजपा की सरकार होते हुए सड़क पर उतरकर संघर्ष करके नगर निकाय का चुनाव जीतने से? नहीं लड़े। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अगर कोई तर्क कांग्रेस के और सपा के मित्र दे रहे हैं तो मैं उसे उचित नहीं मानता, स्वीकार करने के लिए हार उनसे जवाब भी ले लेते हैं करके अगली बार मजबूत विपक्ष के रूप में सड़क पर आना चाहिए, हमको भी अच्छा लगेगा, लोकतंत्र में विपक्ष की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही मीम साहब, आप भी अपनी स्पष्टवादिता के लिए हमेशा साफगोई के लिए जाने जाते रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर अमेठी भी हार जाती है कांग्रेस, एक अलग संदेश उससे जाता है, ठीक है, स्तर चुनावों का आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, वो आपकी पार्टी की अपनी निजी सोच हो सकती है, लेकिन जिस प्रदेश में पार्टी एक अच्छा नहीं कर रही एक लंबे अरसे से, तो वहां पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अगर हम ग्रास रूट लेवल से कोशिश करते तो उसमें गलत क्या हो जाता है? और जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी वहां पर कैंपेनिंग करते, उनकी नंबर बी टीम भी, उन्होंने कुछ लीडर्स को तैयार किए होंगे जो अमेठी की देखभाल करेंगे, वो कहां थे? मीम साहब देखिए, जो हमारी गलती होगी हम उसकी समीक्षा करेंगे, हमारी हार हुई है उसको हमने एक्सेप्ट किया है, ये अच्छी बात बोली, इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कोई कहने की जरूरत नहीं है। चलिए मीम साहब, लेकिन मैं जो खास बात बताना चाहता हूँ, इस बार जो आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो है खुद मैदान में उतरे, आपकी जो आवाज़ मुझे जो है ना इको वापस मुझको आ रही है, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, उससे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, जरा अपनी टेक्निकल टीम को कहिए कि उसको ठीक करें। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला चुनाव है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, इससे पहले महाराष्ट्र में हुए थे जहाँ कांग्रेस जीती थी, किस लेवल के चैनल्स ने इसको नहीं दिखाया, ये प्री प्लान तरीके से आज के चुनाव को बाकायदा प्लान किया गया है, इसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको भी बुरा लगे, इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मिलाए, वरना मैं आपको बता दूं नेशनल इलेक्शन को छोड़ करके मैंने एक बार तो गुजरात में देखा कि जब अहमद पटेल का इलेक्शन हुआ तो उसको नेशनल इलेक्शन बना दिया आप लोगों ने, और आज आपने कांग्रेस के पास शायद आजकल तर्क नहीं बचे जो शायद इस तरह के कूतर्क दे रहे हैं, ज्यादा बड़ा बना दिया। या मीम साहब ये बताइए, मीडिया छोड़िए, मैं आपको ना तर्क नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, कमजोरी समझ में आ रही है आपकी, चलिए मीम साहब कमजोरी समझ में आ रही है आपकी, मीम साहब आपसे कमजोरी समझ में आ रही है, आपने कहा कि आपकी पार्टी अपने विवेक से तय करेगी कि वो किसको भेजना चाहती है प्रचार के लिए और किसको नहीं, ऐसे ही ये मीडिया चैनलों का अपना विवेक है, वो किस खबर को किस तरह से कितना दिखाना चाहते हैं वो तो गुजरात भी तय करेगा, आप फिक्र क्यों करते हैं? बिल्कुल, अगर आप ये क्यों जताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हारे हैं तो गुजरात के अंदर भी हम हारेंगे, ऐसा आप ये क्यों साबित करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं साबित करना चाहते, हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आपसे सवाल यही पूछ रहे हैं कि जीएसटी पर मैंडेट है, बताना चाह रहा हूं मीम साहब कि मध्य प्रदेश में आप, मैं सवाल ही का जवाब दे रहा हूं आपका, मध्य प्रदेश में आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में मैं बहुत ईमानदारी से महसूस करता हूं, मध्य प्रदेश में बाकायदा इस साजिश में शामिल है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के जहां हम चौथे नंबर पर पहले भी थे और आज भी हैं, उसको लेकर के आप गुजरात में प्रोपेगेंडा करेंगे हमारे खिलाफ, राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी कितनी खौफजदा है, ये जरा और सुन लीजिए आप, अगर आप ये नतीजे अगर कुछ और होते तो आप बड़े खुशी खुशी हमारे साथ बैठ के चीजें शेयर कर रहे होते, अब नतीजे उल्टे आए हैं तो आपकी भाषा उल्टी, तभी मीडिया उतनी ही पुरजोर तरीके से खबर दिखाती है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब का चुनाव भूल गए आप, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में अभी 10 दिन पहले चित्रकूट में कांग्रेस जीती है,
और देश के सारे अखबारों ने, टेलीविजन मीडियम ने उसके बारे में सब कुछ बताया है कि कांग्रेस किस तरीके से उपचुनाव जीती है मध्य प्रदेश में 12 साल की भाजपा सरकार होने के बाद भी। तो आप मीडिया पे ऐसे आरोप मत लगाइए, आप ये जाके अपने गिरेबान में जाके कि कांग्रेस ने क्या किया उत्तर प्रदेश में उसके बारे में आप बता सकते हो। कांग्रेस का कोई लीडर कैंपेन करने के लिए गया नहीं और उसके बाद नतीजे आते हैं तो आप कोसते हैं मीडिया को, और ये सच्चाई है कि जीत के साथ सब खड़े होते हैं, हार का कोई साथी नहीं होता। चलिए, तो फिलहाल आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।